मेरठ में और मेरठ के आसपास अपनी अलग पहचान रखने वाला गोल मंदिर एक बार फिर से नवरात्रों के लिए तैयार है, जिसमें कि मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर को सजाने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है, जिससे कि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही मंदिर की व्यवस्था को संभालते हुए शासन के निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन विकास गुप्ता से कहना चाहूँगा कि किस तरीके से मंदिर के अंदर गोले बनाए गए हैं वो दिखाएं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि जैसे कि शासन की गाइडलाइन आ रही है कि कुछ ही संख्या में लोगों को अनुमति दी जाएगी, उसी के अनुरूप 2 गज की दूरी पर गोले बना दिए गए हैं, जिसमें सभी भक्तों की व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी। साथ ही मंदिर में जगह जगह वॉलंटियर को लगाया जाएगा, जो कि व्यवस्था को बनाने में पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर अपने आप में एक विशाल मंदिर है, जिसमें कि 1000 वर्ग गज में यह मंदिर बना हुआ है। और मंदिर की इतनी विशेषता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी वजह से हर बार नवरात्रों में देखा जाता है कि हजारों की संख्या में सिर्फ मेरठ ही नहीं, दूर के लोग भी मंदिर में आकर माँ भगवती के दर्शन करते हैं। और मान्यता है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। और इसी का मंदिर का ये उदाहरण है कि जो भी लोग एक बार मंदिर में आकर सच्चे मन से जो भी मांगते हैं उनको वो मिलता है। इसी वजह से दूर दराज से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में भक्तों की पूजा करने के लिए भी विशेष स्थान बनाए गए हैं, जिससे कि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। विकास कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से मंदिर में पूजा की व्यवस्था की गई है, जिससे कि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हर बार जैसे ही कि भक्तों की लंबी लंबी लाइन होती है, मंदिर में सेवादार जो होते हैं वो क्रम दर क्रम भक्तों को आगे भेजते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। बता दें कि यह मंदिर अपने आप में एक विशाल रूप में है, जिसकी कमल के रूप में इसका मंदिर का आकार बनाया गया है, जो कि अपने आप में अनोखा है। माँ आदिशक्ति की पूजा आराधना करने वाले हमारे साथ पंडित जी मुख्य पुजारी राम नारायण जी भी हैं। आओ उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से मंदिर की तैयारी की गई। हमारे माता सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और जो है प्रथम शैलपुत्री है, कल परसों जो है शैलपुत्री की जो है आराधना होगी, प्रार्थना होगी और पूजा की जाएगी और उनको श्रृंगार किया जाएगा और माता का जो है अति उत्तम से जो है आरती होगी और सब जो है भक्त लोग आके जो दर्शन करेंगे। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए पहले दिन आप भक्तों को बताना है? ये है कि माता का जो है विदुत श्याम सोम प्रभागते वर्णानाम संघानाम रसानाम सुखतावती मंगलाचार भक्ता उर्वंदे प्राण विनायक, ये सब माता का जो आराधना की जाती है और ये सब विसर्जन होता है। प्रथम शैलपुत्रिशा, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थवृंदा, इस प्रकार से जो है 9 दिन तक जो है इनकी आराधना की जाती है और इसी से जो है उनका जो है प्रार्थना पूर्व अपनी जो है आराधना। जैसे माँ आदिशक्ति की प्रतिमा अपने रूप में विशेष है, क्या विशेषताएं हैं इनकी? तो जो आपकी इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी भक्त उनकी जो है पूरी कर देते हैं, वही विशेषता है। जिस मनोकामना से लोग आते हैं, जिसके औलाद नहीं औलाद हो जाती, जिसके बाद धन नहीं धन नहीं, जो कामना जिसे को होगी पूर्ण की जाती है। किस तरह की तैयारी की जा रही है? तैयारी को भगवान की कृपा से स्वयं अब जैसे हमेशा ही नवरात्र में तैयारी की जाती है, वही प्रकार से तैयारी की जाती है। आगे जो है शासन कर जैसा ऑर्डर होगा वैसा किया जाए। जैसे कि मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने बताया कि जैसे भी शासन के निर्देश होंगे उसी के अनुरूप ही आगे की व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंदिर को लेकर सभी तैयारी की जा रही है और मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी पूर्व सैन्य अधिकारी राजीव कुमार गौड़ द्वारा भी मंदिर की विशेषताओं का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी मेरठ।